हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील से के 3 लेयर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो VN ऐप में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो 3 लेयर वीडियो एडिटिंग हम करने वाले हैं VN एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से VN एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लो। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आप यहाँ पे जो स्टॉक्स का ऑप्शन देख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट इमेज यहाँ मिलेगा, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे व्हाइट को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और आप भी व्हाइट को सेलेक्ट करोगे तो बेटर रहेगा। ओके, तो इसलिए आप भी यहाँ पे व्हाइट को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करना तो आपका जो ये इमेज होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद अब यहाँ पे ट्रिपल लेयर वाली वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इसका रेशियो को चेंज कर लेना है। तो रेशियो चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जस्ट ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके 9:16 को सेलेक्ट कर लेना, सो डेट के यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स के लिए ये रेशियो हो सके। ओके, तो ये रेशियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इस बैकग्राउंड के ऊपर, ये व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन को आप यहाँ पे इंक्रीज कर देना जितना टाइम तक आप वीडियो बनाना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसे 10 सेकंड के आसपास इंक्रीज कर दिया। ओके, इंक्रीज कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे वो तीनों वीडियो को जो आप लेयर में ऐड करना चाहते हो उन सभी को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐड करने का मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपको PIP का ऑप्शन देख रहा है, मतलब थर्ड नंबर वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करो। फिर वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना, देन आप यहाँ पे वीडियोज वाले सेक्शन में आ जाना और उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करना जिसे आप यूज करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब इसका साइज को आप इंक्रीज कर लेना, बट पूरा इंक्रीज नहीं करना है, मतलब कि आपको थोड़ा सा जस्ट स्पेस को छोड़ देना है कॉर्नर साइड में, सो डेट कि एक बॉर्डर के जैसा ये बन सके, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा भी इंक्रीज कर सकता था बट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट इसे स्पेस दे रहा हूँ सो डेट कि यहाँ पे बॉर्डर बन सके। ओके, तो ये आप कर देना। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद पोजिशन का एक ऑप्शन देखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे जस्ट एक सेंटर ऑप्शन देखे, सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे अगर इसे आप टॉप में रखना चाहते हो तो टॉप सेलेक्ट कर सकते हो, नीचे रखना चाहते हो तो नीचे आप बॉटम सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसे टॉप में रखना चाहता हूँ तो इसे टॉप में भेज देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे एक साइज का ऑप्शन देख रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे 5 या फिर 3 किसी को भी सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन देख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो तो ये ऊपर या फिर नीचे होगा, जैसे इसे ऊपर होगा और इसे नीचे होगा, तो जैसा आपको सही लगे। लाइक मैं यहाँ पे 2 बार इसे नीचे कर दे रहा हूँ तो बॉर्डर भी काफी अच्छे से बन जा रहा है, सो मैंने यहाँ पे 2 बार नीचे कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से करके जस्ट आप यहाँ पे इन्हें अरेंज कर सकते हो। अब जस्ट यहाँ पे इसे कट कर लेंगे एंड यही सेम तरीके को फॉलो करके जितने भी रहेंगे, लाइक जो मिडिल में आप ऐड करना चाहोगे या फिर नीचे ऐड करना चाहोगे, सभी को आपको यही सेम तरीके से करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे PIP के ऊपर क्लिक करके वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है, देन जो आप मिडिल में रखना चाहोगे उसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अगेन इसका साइज को इंक्रीज करना है, बट साइज को इंक्रीज करते टाइम आप एक चीज का ध्यान रखना कि सभी का साइज ऑलमोस्ट सेम हो, लाइक इसका भी साइज बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब इसे सेंटर में रखने के लिए वही सेम काम आप करो, ये पोजीशन के ऊपर क्लिक कर लेना, फिर यहाँ पे सेंटर एंड मिडिल ये दोनों को सेलेक्ट कर लेना तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ओके, फिर आप यहाँ पे इसे कट कर सकते हो, फिर नीचे में जो रखना चाहो उसे भी सेम तरीके से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो एंड जस्ट इस बार इसे सेलेक्ट करो जो भी आप नीचे में रखना चाहते हो, फिर अगेन इसका साइज को जस्ट आप यहाँ इंक्रीज कर लेना लाइक इतना एंड उसके बाद जस्ट नीचे में इसे लेके आ जाएंगे। साइज थोड़ा सा छोटा रह गया ना, हाँ तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। एंड अगेन वही काम करेंगे, ये पोजीशन के ऊपर जाके जस्ट सबसे पहले सेंटर कर लेंगे एंड उसके बाद बॉटम में रखना है तो बॉटम कर लिए एंड यहाँ से इसका थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, नाउ इसे कट करेंगे तो आप देख सकते हो सारे अच्छे से अरेंज हो चुके हैं हमारे, बट मिडिल वाला का साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, नहीं बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अरेंज कर लेना है, सारे अरेंज हो गए। अब इनमें आपको सबसे पहले कलर ग्रेडिंग करना होगा, सो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आप इनके ऊपर क्लिक करो, किसी एक के ऊपर भी क्लिक करो। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लिया,
फिर यहाँ फिल्टर का ऑप्शन देखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। काफी सारे फिल्टर आपको यहाँ मिलते हैं, अगर इनमें से आपको कोई फिल्टर पसंद आता है तो उसे आप चूज कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ पे एडजस्ट के ऊपर आ जाना एंड आप यहाँ पे सारी चीज को खुद से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर आपको लाइट को कम ज्यादा करना हो तो एक्सपोजर और ब्राइटनेस की हेल्प ले सकते हो, जैसे ये इंक्रीज करे तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर देना चाहूंगा, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस की मदद से आप कलर को यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे इतना के आसपास इंक्रीज कर देता हूँ, नीचे वाला काफी अच्छा ग्रीन है, ऊपर वाला भी अच्छा से ग्रीन रहे तो अच्छा लगेगा देखने में। ओके, तो यहाँ पे इसे इंक्रीज किया, देन आप देख सकते हो काफी अच्छे से इनका कलर बैलेंस हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक HSL मिलता है जिससे कि एक एक कलर को मैन्युअली वेरिएट कर सकते हो। लाइक ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करके HUE मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन की मदद से उसे कलर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लाइक देख पा रहे हो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा डार्क ग्रीन काफी अच्छा लगेगा, सो मैं यहाँ डार्क ग्रीन को रख दिया एंड इनफ है। बाकी जो कलर्स हैं यहाँ पे इन्हें भी सेम तरीके से कर सकते हो, HUE की मदद से कलर को चेंज कर पाओगे। सेचुरेशन से कलर का इंटेंसिटी बढ़ेगा और लाइट बढ़ेगा इससे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन्हें कुछ इस तरीके से रखता हूँ, काफी नेचुरल लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो इस तरह से कर लेना, फिर शार्पन की मदद से थोड़ा सा आप यहाँ पे इसे इंक्रीज करना, सो दैट की क्वालिटी इनहेंस हो सके और साथ ही में कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करना क्वालिटी इनहेंस करने के लिए। देन आपको यहाँ के टेम्परेचर मिलते हैं, इसे कम करो तो ब्लू टोन आएगा, इंक्रीज करो तो कुछ ऐसा आएगा। सो अगर आपको ये सही लगता है देन आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा इसे इंक्रीज कर दे रहा हूँ एंड HSL में जाके ये जो ब्लू कलर है इसे थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल सही, फिर डन करेंगे। और डन करने से पहले आप क्या करो ना कि जो अप्लाई टू ऑल है इसके ऊपर क्लिक कर दो। इसके ऊपर क्लिक करो तो होगा ये कि सारा कलर ग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हो बिफोर कर दूं मैं अगर यहाँ पे तो सारे यहाँ पे बिना कलर ग्रेडिंग के, और ये आफ्टर आप देख सकते हो सारे कलर ग्रेडिंग के। बट फिर भी ये जो नीचे वाला है उसका कलर उतना परफेक्ट नहीं हुआ है, तो हम जस्ट यहाँ पे नीचे वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके फिल्टर के ऊपर चले जाते हैं एंड यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेंगे। लाइक सेचुरेशन को इंक्रीज करते हैं, वाइब्रेंस भी इंक्रीज किया हमने, फिर HSL में जाके ग्रीन कलर को और यहाँ पे इनहेंस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये भी काफी सिमिलर टाइप का बन गया एंड बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। बट लाइट थोड़ा इंक्रीज हो गया इनमें ज्यादा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइट को थोड़ा बैलेंस कर लेता हूँ। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो कलर ग्रेडिंग वगैरह है वो भी हो चुका है एंड वीडियो काफी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये जो हमारा मिडिल वाला शॉर्ट है या फिर वीडियो क्लिप है इसका ड्यूरेशन कम है। तो अगर इस टाइप का आपके साथ कोई सिचुएशन हो तो आप स्पीड के ऊपर जाना एंड कुछ कुछ पार्ट को जस्ट यहाँ पे इस तरीके से नीचे कर देना सो डेट कि वो स्लो हो सके। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट्स को जस्ट इस तरीके से नीचे कर देता हूँ सो डेट कि ये स्लो हो जाए एंड आप यहाँ ड्यूरेशन देख सकते हो इंक्रीज हो जाए, फिर डन कर देना, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट चीज हमें बच्चा इसमें करना है वो है म्यूजिक को ऐड करना। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक का ऑप्शन मिले इसके ऊपर क्लिक कर लेना, फिर म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके माई म्यूजिक वाले सेक्शन में चले जाओ, फिर म्यूजिक लाइब्रेरी देखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस में जितना भी म्यूजिक होगा सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जिसे आप यूज करना चाहो तो उसे जस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई एक अच्छा सा म्यूजिक को चूज कर लेता हूँ लाइक ये वाला, और उसके बाद इसमें मुझे स्टार्टिंग का पार्ट नहीं चाहिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से या ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ डन कर लेते हैं, ठीक है। तो म्यूजिक भी ऐड हो गया। सो इस तरीके से करके आप पूरा वीडियो को एडिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे चाहो तो अपने जस्ट इंस्टाग्राम का आईडी वगैरह भी लिख सकते हो, और फिर कुछ चीज़ें आप एडिट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ओके, जैसे कि टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का आईडी टाइप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लाइक अगर किसी सीन के बारे में बता रहे हो, जैसे कि मान लो अगर ये जो है वो कोई लोकेशन का सीन है तो आप वो लोकेशन का नाम लिख सकते हो। मैं सिंपली से जस्ट यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम आईडी ही लिख देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद फॉन्ट वगैरह के ऊपर जाके आप यहाँ से कोई दूसरा फॉन्ट को सेलेक्ट करके फॉन्ट का डिजाइन आप यहाँ पे बदल सकते हो, फिर आप डन करके जस्ट इसका ओपेसिटी को कम कर देना। जो भी टेक्स्ट लिखो ना उसको ओपेसिटी थोड़ा कम रखना ताकि आपका वीडियो के ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान जाए ना कि आपके टेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट इन सब रील्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे पूरा एडिटिंग कर सकते हो। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करना, ऑटो से मैनुअल में आ जाना। अगर 4K सपोर्ट करे आपके डिवाइस में तब 4K सेलेक्ट करना, नहीं सपोर्ट करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1080 ही सेलेक्ट करो। बस बिटरेट को बढ़ा के एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, बिल्कुल हाई क्वालिटी में आपका जो वीडियो होगा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको सारा चीज समझ आ चुका है कैसे 3 लेयर वाली लिरिक्स वीडियो रील वीडियो एडिटिंग करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब